नोटबंदी से जमा हुए अत्यधिक कैश का इस्तेमाल बैंक्स, म्यूचुअल फंड और मार्केट में निवेश करके मुनाफा कमाने में कर रही है। पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड्स में लगभग 31% का इजाफा हुआ है, जिसका असर शेयर बाजार में दिख रहा है। देश में नोटबंदी से पहले 19 अगस्त 2016 को कमर्शियल बैंक्स के द्वारा होने वाले निवेश नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में करीब 6,14,920 करोड़ रुपए का था, जो नोटबंदी के बाद 18 अगस्त 2017 में बढ़ करके 6,74,810 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी करीब 10% ज्यादा। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि नोटबंदी की वजह से लोगों के पास रखा सारा धन बैंकों में आ गया। बढ़ती बैंकों में राशि के साथ डीमैट अकाउंट्स में भी बढ़त देखी गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 में डीमैट अकाउंट्स की गवर्निंग बॉडीज यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल में कुल डीमैट अकाउंट्स 2.53 करोड़ थे, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में बढ़कर 2.78 करोड़ पर पहुंच गए, यानी करीब 10% की बढ़त। बैंकों में बढ़ते पैसे और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा निवेश के लिए खोले जाने वाले डीमैट अकाउंट्स की वजह से बैंकों ने शेयर बाजार में पैसा निवेश करना शुरू कर दिया। इससे म्यूचुअल फंड्स में लगातार इजाफा होने लगा। साथ ही लोगों ने एसआईपी फंड्स में पैसा लगाने के लिए लाखों अकाउंट्स खोले। पिछले साल के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स में काफी बढ़त देखने को मिली। अगस्त 2016 में 15.63 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किए गए थे, जो अगस्त 2017 में बढ़कर 20.59 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए, यानी करीब 31.7% ज्यादा। इस बढ़ते म्यूचुअल फंड्स में निवेश की वजह से भारतीय शेयर बाजार अपनी सारी ऊंचाई छूता जा रहा है। जहां सेंसेक्स ने 33,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं निफ्टी ने भी 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस दौरान बैंकों में फिक्स डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कम हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।